गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन इन व्लॉग्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और एक ईजीएस्ट रेसिपी है। गाइस, ये पनीर भुर्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बारीक कटे हुए दो प्याज, बारीक कटा हुआ दो टमाटर, दो शिमला मिर्च, कुछ तेज पत्ता लिया मैंने और एक छोटी सी दालचीनी ली है। और इसके लिए मैंने 5 से 7 लहसुन और आधी इंच अदरक को बारीक कूट कर रख लिया है। आप चाहें तो इसमें रेडीमेड गार्लिक जिंजर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम पनीर यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग पनीर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर गर्म कर लेंगे। उसके गर्म होते ही हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम 1 से 2 मिनट तक गर्म कर लेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक खड़ी मिर्च डाल देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा और गर्म हो जाएगा उसमें हम दालचीनी को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम तेज पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा चटकने के बाद मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ। गाइस, अजवाइन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप चाहें तो इसे हर सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, इससे डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। आप चाहें तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को हम 30 सेकेंड तक अच्छे से भून लेंगे और इस तरीके से चम्मच चला देंगे ताकि ये जले ना। उसके बाद मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी। गाइस, ध्यान रहे कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, उसे हमें थोड़ा कच्चा ही रखना है, इससे हमारे पनीर भुर्जी में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद हम उसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। शिमला मिर्च को लगभग 2 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और उसे एक बार चला देंगे। फिर हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई को कवर करके लगभग 2 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे इस समय फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें से कवर हटाकर इसे अच्छे से चम्मच चला देंगे। उसके बाद हम फिर से इसे लगभग 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमें हमें गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। इनको डालने के बाद इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, आप सभी देख सकते हैं कि हमें टमाटर को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें आधे पनीर को ऐड कर देंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
गाइस आप सभी पनीर को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि कई बार वो पेस्ट जैसा बन जाता है। तो पनीर भुर्जी के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसे हाथों से ही मैश करें। अब मैं आधे पनीर को इसमें ऐड कर दूँगी, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बचे हुए पनीर को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके लगभग 3 मिनट तक के रख देंगे। इसमें हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, जिससे पनीर कढ़ाई में बिल्कुल भी ना चिपके। 3 मिनट के बाद हम कवर हटाकर पनीर को अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि पनीर सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर भी हम 2 मिनट तक लगभग बिना कवर किए पनीर को अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसमें मिक्स करते रहेंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो सूख जाएगा। लास्ट में मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया डालकर इसे और एक बार मिक्स कर लूँगी। गाइस हमारा पनीर भुर्जी बनकर कम्प्लीटली रेडी है। जैसा कि आप सभी ने देखा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये पनीर भुर्जी लगभग 10 से 15 मिनट में कम्प्लीटली बनकर रेडी हो जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और एक क्विक रेसिपी है। आप सभी से एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।